राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं हरी मूंग की मखनी दाल। काफ़ी टेस्टी बनी है और लग रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, इसलिए रेसिपी को पूरा ज़रूर से देखिए। देखने और बनाने के बाद यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप हरी मूंग की दाल ली है, इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। दाल अच्छे से सोक हो चुकी है। अगर मैं इस तरीके से इसको ब्रेक कर रही हूँ तो ये आसानी से ब्रेक हो रही है, इट मीन्स दाल अच्छे से सोक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेंगे और ये सोक की हुई दाल हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच नमक। नमक हम आगे ग्रेवी में भी डालेंगे, इसलिए इस समय मैंने नमक कम डाला है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। दाल को बॉईल करते समय खड़े मसाले डालने से जो उनका फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने इसमें 3 से 4 लौंग डाल दी हैं। 3 से 4 हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, मतलब काली मिर्च डालेंगे। 1 बड़ी इलायची डाल दी है, 2 दालचीनी स्टिक डाल दी हैं, 1 तेज पत्ता डालेंगे और 3 मैं यहाँ पर हरी इलायची डाल रही हूँ। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल ली है, मैं इसमें 2.5 से 3 कप के करीब पानी डाल दूंगी, या आप कह सकते हैं जितनी दाल कुकर में है उससे 1 इंच ऊपर पानी हमें इसमें रखना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कुकर की लीड लगाएंगे और इसमें हम 4 विसल आने देंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और जो इसका प्रेशर है उसको हम खुद से निकलने देंगे। 4 सीटी आ गई थी, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जो इसका प्रेशर है वो भी निकल चुका है। कुकर की लीड खोलेंगे और एक बार हम दाल चेक कर लेते हैं। जो दाल है अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से मसी हो चुकी है। देखिए, इसको मैं साइड से रख देती हूँ। अब हम इसके लिए एक बढ़िया सा तड़का बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अभी हम इसमें घी या बटर नहीं डाल रहे हैं, ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। 10 से 15 सेकंड तक हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 3 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा हुआ ग्रेट किया हुआ, इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया है। अब मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने पीस कर पेस्ट बना लिया है, इसे हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक जो हमने ऑयल डाला है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे मसाले, तो हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच नमक डालेंगे। दाल को बॉईल करते हुए भी हमने इसमें नमक डाला था, इस समय आप नमक देख कर डालें। और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूंगी ये दाल मखनी मसाला। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर से डालिए, नहीं है तो आप इसके बिना भी इस दाल को बना सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी बनती है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक पकने देंगे जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता है। और आप देख सकते हैं जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इस मसाले को दाल के अंदर डाल सकते हैं या जो दाल है उसे आप मसाले के अंदर डालिए, एक ही बात है। तो मैंने जो दाल है उसे कढ़ाई में डाल दिया है, एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि दाल मुझे काफ़ी थिक लग रही है और थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी लग रही है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, 1 कप पानी और डाल दूँगी, जिससे जो हमारी दाल है वो अच्छे से पक भी जाएगी और जो दाल है उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ढक देंगे और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इस दाल को पकने देंगे। लेकिन हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे जो दाल है वो कढ़ाई की तली में लगेगी नहीं। लगभग 20 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं जो दाल है अच्छे से घुट गई है, मतलब अच्छे से मसी हो गई है
और जो पानी है वो भी इसमें अच्छे से मिक्सअप हो गया है। पहले काफ़ी सेपरेट सेपरेट लग रहा था, लेकिन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आधा कप के करीब फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ मैं इसमें। आप इसमें चाहें तो दूध के ऊपर वाली मलाई भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी इसमें बटर, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे जो हमारी दाल है इसमें एक रिच लुक आ जाएगा और बिल्कुल मखनी दाल की जैसे टेस्ट भी आ जाएगा। इसे हमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे, जिससे जो फ्लेवर है बटर का वो इसके अंदर चला जाएगा। दाल अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया सी हमारी हरी मूंग मखनी दाल बनकर तैयार है, जो काफ़ी टेस्टी बनी है। और मैं आपको इसकी एक बार लुकिंग दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया, बिल्कुल शाही हमारी मखनी दाल बनकर तैयार हुई है। इंस्टेंट रेसिपी है, इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और आप इसे चावल, नान, परांठे, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज मैंने इसे हरी मिर्च के लच्छे पराठे के साथ सर्व किया है, और हरी मिर्च के लच्छे पराठे की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाइए, इंजॉय कीजिए, और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे आपके लिए कौन सी रेसिपी बनानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।